साहब इस मुल्क की सरकार तक और हुकूमत तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, बिल्लियों की तरह ख्वाब में चिचड़े देखना छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुरान जिंदा था, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। शरीयत जिंदा थी, शरीयत जिंदा है, शरीयत जिंदा रहेगी। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए 3-3 घंटे लगते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हुए तुम्हें इस क्यूआर कोड के जरिए से मैसेज पहुंचाने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन वाला आलिही वासहाबिही अजमाईन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله كما هو أهله ومستحق معزز سامعین کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اس دین کا سچا اور صحیح دعویٰ یہ ہے کہ یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے بنا کر
आसमान से ज़मीन में उतारा गया है। एक होता है दावा और दावा करने की सबको इजाज़त है, लेकिन दावा सही साबित होता है कब? दावे के मुताल्लिक मजबूत दलील हो तो तब जाकर दावा साबित होता है। अगर दावे के मुताबिक दलील ना हो तो फिर वो दावा भी गलत हो जाएगा और दावा करने वाला भी मुजरिम हो जाएगा। मुसलमानों का कहना और दावा ये है कि इस्लाम एक सच्चा और बरहक मज़हब है, और ये भी दावा है कि इस्लाम को किसी इंसान ने बनाया नहीं, बल्कि इस्लाम को बनाने वाले अल्लाह तबारक व ताला हैं। ये मुसलमानों का दावा है। दो बातें हैं इस्लाम के बारे में, तवज्जो के साथ सुने। एक, हमारा दीन जो दीन इस्लाम है ये किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। दूसरी बात इस दीन के मुताल्लिक ये है कि ये दीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामिल और मुकम्मल दीन है। और एक बात भी इसके अंदर दाखिल कर लें आप, या अपने जहनों में अक्लों में इस बात को मजबूती के साथ बिठा लें, इस दीन का कोई कानून, कोई हुक्म, कोई अमल ना इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ना अकल के ख़िलाफ़ है, और इस पर अगर कोई अमल करता है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कभी किसी को नुकसान नहीं होगा। तीन बातें हो गईं। फिर एक मरतबा दोहराता हूँ मैं बात को। पहली बात यह है कि ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। दूसरी बात यह है कि ये दीन मुकम्मल दीन है। तीसरी बात यह है कि इस दीन के किसी भी कानून से इंसानियत को कोई नुकसान नहीं है। ये तीन बातें हमारा दावा है। और लाजिमी बात है कि आदमी जो चाहे जब चाहे जहां चाहे कोई दावा नहीं कर सकता। अगर दावा करता है मुआफिक हो के मुखालिफ, दोनों भी दलील पूछते हैं। किसी भी दावे के दलील पूछने पर गुस्सा भी करना नहीं है, और दलील पूछने वाला ज़रूरी नहीं है कि उन्हें दुश्मन हो, दोस्त भी दलील पूछता है। दलील दोस्त भी पूछ सकता है और दलील दुश्मन भी पूछ सकता है। दोस्त और दुश्मन के दलील पूछने में फ़र्क है। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से तवज्जो चाहता हूँ। दलील पूछने की, अगर मैं किसी चीज़ का दावा करूं, आप में से हर एक को मेरे दावे के मुताल्लिक दलील पूछने की पूरी 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 इजाज़त है। यह ज़रूरी नहीं है कि दावे की दलील दुश्मन ही पूछे, दोस्त भी पूछ सकता है। दावे की दलील दोस्त भी पूछ सकता है, लेकिन दोस्त और दुश्मन की पहचान
और दोस्त और दुश्मन का फ़र्क कब पता चलेगा? कि जब सही दलील पेश कर देते हैं तो दोस्त मान लेता है और दुश्मन समझकर भी इनकार कर देता है। यही है पॉइंट की बात। भाई ये मोबाइल मेरा है, ये मेरा दावा है। आप में से किसी को भी इस बात की इजाज़त है कि आप मुझे इस मोबाइल के मेरे होने की दलील पूछे और सबूत पूछे और प्रूफ पूछे। अब मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं जब दावा कर दिया कि ये मोबाइल मेरा है तो आपके सवाल पर मुझे दलील देना है। अब मैं दलील देता हूँ, इसके कागजात, कब ख़रीदा, कहाँ ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, ये तमाम चीज़ें अगर मैं आपके सामने सच्चे और मज़बूत पेश कर देता हूँ तो आपका अखलाकी फरीज़ा होता है कि आप इसको तस्लीम कर लें। आप जब मेरे दलाइल के सही दलाइल को तस्लीम कर लेते हैं तो आप दोस्त बन गए। हमारे सही दलाइल का अगर आप इनकार कर देते हैं तो आप दुश्मन हो गए। दावे की दलील पूछने की तो सबको इजाज़त है। अब मैंने दावा किया, यह मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बनाया हुआ दीन है और ये दावा कुरान पाक में मौजूद है, इन्नत दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दरअसल ये दावा मुसलमानों का दावा नहीं है, ये कुरान पाक का दावा है कि खुद कुरान पाक कहता है इन्नत दीना इंदल अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन, अल्लाह के नज़दीक सही दीन और अल्लाह के नज़दीक सच्चा दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। ये पहला दावा हो गया हमारा इस्लाम का। दूसरा दावा ये है कि ये दीन मुकम्मल दीन है और कामिल दीन है। ये भी मुसलमानों का दावा नहीं है, ये भी कुरान ही का दावा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, खुद कुरान कहता है, दीन बनाने वाली ज़ात कहती है, दीन बनाने वाली ज़ात कहती है कि तुम्हारे लिए हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारा दीन मुकम्मल है। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम अस्बाब, अंधेरे से लेकर उजाले तक के तमाम अस्बाब, खुशी से लेकर गम तक के तमाम अस्बाब, दुनिया से लेकर आखिरत तक के तमाम अस्बाब, बिस्तर से लेकर दस्तर तक के तमाम अस्बाब, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के तमाम अस्बाब, जिंदगी से लेकर कर मौत तक के तमाम अस्बाग, तमाम के तमाम अस्बाग हमने दीन के अंदर दाखिल कर दिए हैं। अब कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जो बाहर से दीन के अंदर दाखिल करे, और ये भी गुंजाइश नहीं है कि अंदर से किसी चीज़ को बाहर करे। ये कुरान पाक का खुद साफ साफ पैगाम और ऐलान है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? अहमक, बेवकूफ़, नादान, जाहिल, मुनकिर, अगर समझे या ना समझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात इन बातों को 100% समझें। तुम्हारा दीन अगर तुम ना समझे तो फिर कौन समझे? तुम्हारा मजहब अगर तुम ना समझे तो फिर कौन समझे?
पूरी आज मैं इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कानूनी बात करूंगा। कानून से हिट कर इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ये आदिस कोई बात नहीं करेगा और किया भी नहीं और उलमा करते भी नहीं। उलमा की जुबान मोहब्बत का पैगाम, उलमा की जुबान प्यार का पैगाम, उलमा की जुबान अमन का पैगाम, उलमा की जुबान इत्तेहाद का पैगाम, उलमा की जुबान सबर का पैगाम, उलमा की जुबान मुल्क से मोहब्बत का एक ज़बरदस्त पैगाम है, उलमा की ज़ुबान क़ुरान का पैगाम, उलमा की ज़ुबान हदीस का पैगाम, उलमा की ज़ुबान असल क़ानून है असल क़ानून। हमारे मजहब का सबसे पहला सबक यही है, सच बोलो और सही बोलो, झूठ भी ना बोलो गलत भी ना बोलो। हमारे मजहब का सबसे पहला सबक यही है, सच बोलो और सही बोलो। हमारे नबी की दुनिया में सबसे पहली तस्वीर ही सदाकत थी, तो उसके गुलाम गलत कैसे बोलेंगे। अबू जहल ने नबूवत को बाद में देखा, नबी की सदाकत को पहले देखा। अबू लहब ने नबूवत को बाद में देखा, नबी की सदाकत को पहले देखा। अबू बकर उमर अहले मक्का 40 साल तक पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को 40 साल देखे और अल्लाह ने सच को मेरी नबी की जुबान नहीं बनाया। पढ़े लिखे हजरात को यह जुमला सुनते हुए बड़ा मजा आ जाएगा, समझदार लोगों को यह जुमला सुनते हुए बड़ा मजा आ जाएगा। अल्लाह ने मेरे नबी की जुबान को सच नहीं बनाया, सच को मेरे नबी की जुबान की सिफत बनाया। सच को मेरे नबी की जुबान की सिफत बनाया और इतनी सच्ची जुबान अल्लाह ने मेरे नबी की क्यों बनाया, इसलिए कि आगे चलकर मेरे नबी को सबसे बड़ा सच बयान करना है। सबसे बड़ा सच बयान करना है। 40 साल की रब्बे काबा की कसम, 40 साल की इतनी लंबी जिंदगी मामूली नहीं। 40 साल जिसमें एक इंसान के दो जमाने मुकम्मल होते हैं, एक बचपन एक जवानी। 40 साल मामूली बात नहीं, नबी की पूरी जिंदगी के दो सुलुस, टू थर्ड। 60 पर 3 साल, 3 साल को कसर समझकर छोड़ो, 60 पर 3 साल में 40 साल टू थर्ड। दो जिंदगियां, जिंदगी के दो जिंदगियां खत्म होते हैं, मुकम्मल होते हैं, एक जवानी और एक बचपन। 40 साल में अगर खुदा ना खास्ता अलियाज़ बिल्ला व नऊज़ बिल्ला एक बार भी नबी खुदा ना खास्ता पूरे अदब और एहतराम और एहतियात के साथ समझाने के लिए और बताने के लिए ये बात बड़े अदब और एहतराम के साथ और एहतियात के साथ ये आजिज कहता है कि 40 साल के इस लंबे अरसे में रब्बे काबा की कसम एक मरतबा भी अगर 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 एक मरतबा भी नबी झूठ कह देते तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम शक में पड़ जाता। उस नबी के गुलाम हैं हम।
ग़ुलाम ही नहीं है कि हज़रत उलमा वारिस है। ग़ुलाम के अंदर आखा के सिफात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नोट करो हाजी साहब, गुलाम के अंदर आका के सिफात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वारिस के अंदर आ जाए तो अच्छी बात नहीं, आ ही जाती है। गुलाम के अंदर आका के सिफात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वारिस के अंदर आ जाए तो नहीं, आ ही जाती है। तुम्हारी किसी बड़ी फैक्ट्री के नौकर के अंदर तुम्हारे सिफात आना जरूरी नहीं, अगर आ गए तो अच्छी बात है। तुम्हारे बेटे के अंदर आ जाए तो अच्छी बात नहीं, आ ही जाएंगे क्योंकि खून उसका है। इसलिए मैं कोई गलत बात बेदलील बात नहीं करूंगा। इस्लाम के तीन बड़े दावे हैं, इस्लाम के तीन बड़े दावे कितने दावे बोलो और एक मरतबा, तीन बड़े दावे हैं इस्लाम के, तीन बड़े दावे। एक, इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं। दूसरा, इस्लाम कामिल और मुकम्मल मजहब। तीसरा, इस्लाम का कोई कानून अकल और इंसानियत के खिलाफ नहीं। मुसलमानों, तुम दुनिया के किसी भी खित्ते और किसी भी जमीन और किसी भी जगह पर खड़े होकर इन तीन दावों को पेश कर सकते हो। खुदा की कसम, तुम्हारे दावों के खिलाफ में कोई माँ का लाल आ ही नहीं सकता। और इसके दलील भी पेश करूंगा मैं। पहला दावा क्या कि इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मजहब नहीं। अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है। तवज्जो से सुने, जहन में उतारे। 10-15 मिनट के बाद मैं इसी बात को एक बात के साथ जोड़कर आपसे सवाल भी करूंगा और पैगाम भी दूंगा। पहला दावा यह है कि इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मजहब नहीं है। इंसान बोले तो हजरत अंबिया से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम तक सब जमा हो गए। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बनाने वाले नहीं, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पहुंचाने वाले। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये तमाम अपनी जगह पर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बनाने वाले नहीं हैं, इस्लाम पहुंचाने वाले हैं। ये खुद आपकी सिफाती नाम में नबी किसे कहते हैं, खबर देने वाला पैगम्बर किसे कहते हैं, डिक्शनरी में पैगाम पहुंचाने वाला रसूल किसे कहते हैं। एक जात से लेकर कोई चीज दूसरी जात तक किसी चीज को पहुंचाने वाले को कहते हैं मेरा नबी रसूल, मेरा नबी नबी, मेरा नबी पैगंबर। तीनों का एक ही तर्जुमा आता है, खबर देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। एक बहुत बड़ी चीज एक बड़ी जात से लेकर दूसरी जात तक पहुंचाने वाला रसूल, उसी को कहते हो। अरे बात समझ में, अरे अरे नबी आखिरुज़्ज़मान, आखिरी जमाने में खबर पहुंचाने वाला,
पैगंबर, पैगंबर वो, पैगंबर क्या है ये, पैगंबर, पैगाम लाने वाला। रसूल भेजा गया, आम इंसान अपनी जगह पर, वली जरा खास, आलिम जरा खास, तबे ताबी जरा खास, उससे खास ताबिई, उससे खास सहाबी, ये तमाम हजरात तो अपनी जगह पर। इमाम अबू हनीफा का भी कोई जाती मसला नहीं, कुरान ही का मसला है। इमाम शाफिई का भी कोई जाती मसला नहीं, कुरान ही का मसला है। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी कोई जाती मसला नहीं, कुरान ही का मसला है। ये मसला इमाम अबू हनीफा का, जो बोलते हैं ना उर्फ में, जुबान में, कहावत में कहते हैं, जैसे आम तौर पर कहा जाता है, कौन भी बनाए सो घर, ये महबूब बनाए, क्या मिस्त्री क्या उनू। कौन रेडी करे ये घर, नियाज, गारे, मिट्टी, ईंट, खंबी सब उठाए क्या उनू। वैसे ही इमाम अबू हनीफा का मसला जाती मसला नहीं, कुरान और हदीस ही का मसला है। इमाम शाफी का मसला जाती मसला नहीं, कुरान ही हदीस का मसला है। ये तमाम हजरात तो दूर की बात, खुद मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नहीं सारी कायनात का नबी, सारी मखलूकात का नबी, फरिश्तों का नबी, जिन्नात का नबी, हैवानात का नबी, इंसानों का नबी, तमाम मखलूकात का नबी, वो भी इस्लाम नहीं बनाया, इस्लाम पहुंचाने वाले थे अल्लाह के पास से लेकर, इस्लाम बनाने वाले नहीं। इस्लाम हो, कुरान हो, शरीयत हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम की जाती चीज़ ये नहीं है। ये इस्लाम, ये शरीयत, ये कुरान, बड़ी नाजुक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ना भी बताऊँ तो आपको चल सकता है। दरअसल मैं दो मकसद के साथ यहाँ बैठा हूँ, एक आपको समझाना, दूसरा पसे पर्दा इस वक्त मुल्क की हर मस्जिद के खतीब की तकरीरों पर जिन जिन लोगों की नजरें हैं उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, और ज्यादातर तुमको समझाना चाहता हूं कि इस्लाम पैगंबर का बनाया हुआ मजहब नहीं, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाती कलाम नहीं, शरीयत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई चीज और मजहब नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का मजहब है, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह तबारक व ताला का जात से निकला हुआ कलाम कुरान पाक है, जात से निकला हुआ कुरान कुरान पाक है, अल्लाह की जात से निकला है कुरान। हमारा पहला दावा, इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। अब इसके बारे में आप दलील पूछते हैं, ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, कैसे हजरत? ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन कैसे हजरत? दो बातें हैं, इसके दो जवाब हैं जी। भाइयों, दोस्तों, जिम्मेदारों, पूरी तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज़ सुनना, बड़ी मेहनत के साथ पूरी तकरीर को बनते बनाते बुज़ुर्गों की किताबों के हवाले लेकर उनकी अरवाह को ईसाले सवाब करके आप तक पहुंचा हूं मैं, समझो प्यारो समझो। ये दीन अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, इसके दो दलील हैं, एक दलील इल्ज़ामी, एक दलील तहकीकी।
इल्जामी दलील किसे कहते हैं? इल्जामी दलील यानी फौरन अटैक करने वाली बात, जिसे इल्जामी दलील कहते हैं। क्या है सुन लेना प्यारों, आवाज जहां तक जाती है सुन ले। दुनिया के अंदर तकरीबन 4200 किस्म के मजाहिब हैं, पॉइंट नोट करना। दुनिया के अंदर मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जनूब तक 180 या 190 कंट्रीज के अंदर 4200 किस्म के मजाहिब हैं। इन तमाम मजाहिब में एक इस्लाम को छोड़कर 4190 पर 9 मजहबों के अंदर ऐसा कोई जुमला है तो पेश कर दो कि वो मजहब खुद कहता है कि मैं ईश्वर का मजहब हूँ, मैं गॉड का मजहब हूँ, है तो पेश कर दो। तुम हमारी दलील को कबूल करें कि ना करें, अगर तुम्हारे पास सच्ची और मजबूत और सही दलील हो तो ये हमारी शान है कि हम कबूल कर लेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं कि हमारे जुमले को बड़ी 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 गहराई से सुनना। अगर तुम्हारे पास कोई मजबूत दलील है तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन हमारा दीन नहीं छोड़ेंगे, बाद में पकड़ लेंगे ना। तुम्हें बोले नहीं क्या हजरत कबूल कर लेते ही बोलकर, तो फिर छोड़ डालो। हमें छोड़ डालते ये नहीं बोलते, तुम्हारी दपास दलील है तो पेश कर दो, हम कबूल कर लेंगे। 4190 पर 9 मजाहिब के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर अगर कोई ये जुमला है और वो जुमला किसी इंसान की बनाई हुई किताब में ना हो, इंसान के हाथों से लिखी हुई किताब के अंदर ना हो, बल्कि अपने मजहब की मुकद्दस किताब जिसको हम भी एहतराम की निगाहों से देखते हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बाइबल हो, जिसका हम भी अदब और एहतराम करते हैं, और हमारे लाइब्रेरियों में चाहे वो दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी हो, नदवतुल उलमा की लाइब्रेरी हो, मजाहिर की लाइब्रेरी हो, या मिसर जामिया अल अजहर की लाइब्रेरी हो, या दारुल उलूम सबीलुर रशाद की लाइब्रेरी हो, या हम जैसे छोटे छोटे मौलवी और मुल्लाओं की लाइब्रेरी हो, हमने हमारे मजहब की किताबों को भी जमा करके रखा है, अदर मजहब की किताबों को भी जमा करके रखा है, हमारे मजहब की किताबों का हमने जिस एहतराम के साथ रखा है, हमने अदर मजहब की किताबों को भी उसी अदब और एहतराम के साथ रखा है। यह हमारे मजहब का सिखाया हुआ अदब है, यह हमारे मजहब की सिखाई हुई तमीज और तहसीब है। हम कहते हैं कि ऐसा कोई जुमला है तो पेश कर दो, इल्जामी जवाब दे रहा हूं, ऐसा कोई जुमला है तो पेश कर दे कि फला मजहब ईश्वर का बनाया हुआ मजहब है, फला मजहब यसू का बनाया हुआ मजहब है, फला मजहब गॉड का बनाया हुआ मजहब है। ऐसा कोई जुमला किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब में नहीं मिलेगा। अदब रहेगा, तमीज रहेगा, वाकियात रहेंगे, और भी अपने मजहब के आस्थाएं और अकाइद तो जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई जुमला नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब खुद, हमारी मुकद्दस किताब खुद कहती है कि ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारे पास जो दीन है ये तुम्हारे अबू हनीफा का बनाया हुआ दीन नहीं है, तुम्हारे पास जो दीन है वो शाफी का, मालिक का, अहमद बिन हम्बल का बनाया हुआ दीन नहीं है, तुम्हारे पास जो दीन है वो अली का, उस्मान का, उमर का, अबू बकर का बनाया हुआ दीन नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास जो दीन है वो तुम्हारे मोहम्मद, तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ दीन नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास जो दीन है ये तुम्हारे अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। एक दलील हो गई, इसे बोलते इल्जामी दलील। समझ में आई? अरे आई? दूसरी दलील, दूसरी दलील जरी गहरी है, समझेंगे? अरे समझेंगे?
अगर बात समझ में नहीं आई तो क्या करेंगे? क्या भी नहीं करेंगे, या तो पूछेंगे या नहीं तो खामोश रहेंगे। लेकिन समझाऊंगा। पहली दलील इल्ज़ामी, समझ में आ गई? अरे आई नहीं आई, किसे किसे आई, हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको आ गई है, फिर मैं बयान कर को क्या फ़ायदा। दूसरी जो दलील है, इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ मज़हब है। इसकी दलील इतनी गहरी बात में क्यों कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे बात समझ में आ जाएगी। अब तक तो बात समझ में आ गई होगी, समझ में, कोई सस्पेंस फिल्म नहीं है ये, ये तहकीकी तकरीर है, हकीकत पर 100% मबनी है। दूसरी दलील सुनो, दूसरी दलील बड़ी तहकीकी दलील है। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील के अंदर दो चीज़ें निकलती हैं। दूसरी दलील के अंदर दो चीज़ें निकलती हैं। अगर क्लास का माहौल होता, मदरसे का माहौल होता, बोर्ड भी होता, तो मैं आपको राइटिंग के साथ समझाता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का भी आज इसको तजुर्बा है। ये हमारे असातज़ा की दुआओं का 100% सदक़ा है। दूसरी जो दलील है, जो तहकीकी है, उसके अंदर दो बातें निकलती हैं। पहली बात ये है कि अगर ये आम इंसान तो दूर की बात, खुद मोहम्मद का बनाया हुआ दीन होता तो फिर मोहम्मद को भी इख्तियार होता। हकीकत ये है कि दीन के मसाइल में मोहम्मद को भी इख्तियार नहीं था। अरे आई नहीं आई, और मेरी इस बात का सबूत कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक के सूरतों में से एक सूरा है सूरतुत तहरीम। उसके अंदर एक वाकिया है, क्या वाकिया आप हजरात सब जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीबियां थी जी। 11 में से 10 पहली बीवी के इंतकाल के बाद आपने फरमाया। जब पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाहयात थी, आका ने दूसरा निकाह नहीं किया तकरीबन 50 साल तक। कसर छोड़कर कह रहा हूं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद आपने कसरत से निकाह फरमाए। बयक वक्त 10 बीबियां आपके निकाह में थी और आपने सबकी बारी रात की तय की थी। एक एक रात, एक एक बीवी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो अभी अभी मेरे जहन में आया, उसका भी जवाब देता चलूँ, क्योंकि खुजाने वाले घुगुआ बहुत थी। कुछ ख़ास हिंदुस्तान के उलमा के बयानात को नफ़रत का आईना पहनकर
बेवकूफ़ी का ब्लूटूथ डालकर सुनते हैं तो समझ में नहीं आती बात। हो सकता है कि एक सवाल यहां भी पैदा हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि मौलाना जब शरीयत मोहम्मद की बनाई हुई नहीं, तो मोहम्मद की उम्मत को 4 की इजाजत और मोहम्मद को 11 कैसे? सवाल समझ में आया? अरे आया नहीं आया, जोश दिखाओ रे बाबा, होश मैं पैदा कर दूं, जोश तुम्हें दिखाओ। जब दीन मोहम्मद का बनाया हुआ नहीं, तो फिर मोहम्मद की उम्मत को 4 की इजाजत तो मोहम्मद ने 11 क्यों की थी? उसका जवाब सुन लीजिए, ये 4 भी अल्लाह ही का हुक्म है, मोहम्मद को 11 भी अल्लाह ही का हुक्म है। वो क्या मोहम्मद को अलग खसूसियत? भाई जब आदमी स्पेशल होता है तो खसूसियत हो ही जाती है। रास्ते का सिग्नल सबके लिए एक ही होता है, लेकिन CM आता है तो उसके लिए छोड़ दिया जाता है। जब CM सिग्नल छोड़ के जाता है तो CM तोड़ के नहीं जाता, CM के लिए रेड लाइट को ग्रीन लाइट बना दिया जाता है। स्पेशल जब आदमी होता है तो उसके लिए कानून के अंदर कुछ ऑफर होते हैं, गुंजाइश नहीं ऑफर होते हैं, क्योंकि ईश्वर का अल्लाह का खास है ना वो। माँ के हाथ में मिठाई हो, बच्चे बहुत सारे खड़े हैं, दिलदार माँ हो तो सब बच्चों को मिठाई तो बराबर तकसीम करती है, और अपने बेटे को तो ज़रा ज़्यादा ही तो देगी। अगर बराबर देती है तो उसे मुनसिफ कहेंगे, बेटे को ज़्यादा देती है तो उसे ममता कहेंगे, जालिम नहीं कहेंगे। सब बच्चों को, बाजू घर के बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, इधर को उधर को सब बराबर देती, और खुद के बच्चे को भी बराबर एक ही मिठाई का डल्ला देती है तो भी बराबर देती है चलो। लेकिन सबको बराबर देकर अपने बच्चे को अलग बुलाकर 1-2-3 डल्ले देती है, 2-3 टॉफ़ी देती है, 2-3 चॉकलेट देती है, तो उसे इंसाफ के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो तो उसका ख़ास बच्चा है, वो तो उसका ख़ास बच्चा है, उसे तो ज़्यादा ही मिलेगा। हम सबको जो दिया जा रहा है वो इंसाफ है, मोहम्मद को जो दिया जा रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत है। वो उनके ख़ास है ना, हम कहाँ हमारे नबी कहाँ, ले अल्लाह के पास लेने और देने में हम हमारे नबी के बराबरी नहीं कर सकते। अगर बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आका बोलेंगे कि मैं जैसे कुरान की वही को बर्दाश्त किया तुम्हारे अंदर भी ताकत है, मैंने जो पेट में पत्थर बांधने की मशक्कत बर्दाश्त की क्या तुम भी? बराबरी नहीं कर सकते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम बराबरी किसी सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन शरीयत तो बराबर थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, एक बीवी का इंतकाल हुआ, बाद में आका ने कसरत से निकाह फरमाए, उसका भी मैंने जवाब दे दिया, कोई नामकूल इस पर एतराज़ न करे। मज़ीद एतराज़ करना है तो इंशाल्लाह मज़ीद और भी मेरे पास बातें हैं जिसका जवाब ऐसे दूंगा इंशाल्लाह ताला, या तो समझ जाना नहीं तो दीवाना हो जाना। क्या अकरम साहब बात को समझो, अगर नहीं समझ सकते तो छोड़ दो, बेकार की बकवास मत करो। आपको नहीं बोल रहा हूं, जिनको बोल रहा हूं उनको बोल रहा हूं। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ कानून और मजहब है, इसका एक इल्जामी जवाब दिया तो अब तहकीकी जवाब दे रहा हूं। तहकीकी जवाब में दो बातें आती हैं, पहली बात मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से बीवियाँ थी, और आका हर एक के लिए एक दिन तय कर दिया, दिन नहीं वो भी रात ही। हमारी शरीयत में एक से ज़्यादा बीवियाँ हो तो रात को तय करो, दिन तुम्हारे इख्तियार में है, क्योंकि आदमी दिन में मसरूफ़ रहता है। एक एक बीवी की एक एक रात, सुभान अल्लाह, इतना इंसाफ तो हमें नहीं कर सकते हैं।
उसके वास्ते करोनों को बोलते हैं। नहीं करना बोलकर बोले तो शरीयत मिटा नहीं सकते, हमें नहीं करनी वो बोलकर बोले तो अगर ताकत रहती ना, सच में बोल रहा हूँ, बीवी तक भी बात चलेगी तो कोई बात नहीं है। मस्जिद की तनख्वाह अगर 50 से 60 हज़ार रुपये होती और लीटर दूध 5-6 रुपये होता, सिलेंडर 200 रुपये होता, तो मैं दूसरी नहीं पूरे 4 का खोटा पूरा करता। मैच नहीं तुम्हें भी करते नहीं करते दो चीज देखिए माशाल्लाह। अरे डरने की क्या जरूरत है, औरता मानते नहीं कहते, औरता मानते नहीं कहते, शरीयत का कानून यक्सल सिविल कोर्ट को औरता पसंद कर रही कहते। अरे रे 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 रे, किसी के मानने किसी के ना मानने से शरीयत पर असर नहीं पड़ता। जो औरतें शरीयत के कानून को पसंद नहीं करती और यक्सल सिविल कोर्ट कानून की हामी है, पता नहीं कि इस वक्त उनके पास ईमान भी है कि नहीं है। इसीलिए हजरत उलमा ये आजिज़ बार बार कहता है, हजरत उलमा और ये आजिज़ बार बार कहते हैं कि भाई नमाज ना पढ़ना अलग चीज़ है, नमाज का इनकार करना अलग चीज़ है। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो काफिर नहीं होंगे, नमाज का इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। रोज़ा नहीं रखते गुनहगार होंगे, रोज़े का इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। हज नहीं करते गुनहगार होंगे, हज ही का इनकार करते हैं तो काफिर हो जाएंगे। शरीयत पर अमल नहीं करते गुनहगार हो जाएंगे। शरीयत का इनकार या शरीयत में तब्दीली चाहते हो तो फिर तुम्हारे हिजाब, तुम्हारे बुरखे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारी दाढ़ियां और लोगों को दिखावे की तुम्हारी नमाजें सब तुम्हारे आईने में नजर आ सकते हैं, शरीयत के अकाउंट में नहीं। तुम कभी के शरीयत से बाहर हो चुके हो। औरता मानते नहीं कहते, औरता मानते नहीं कहते, औरता मानना तो दूर की बात। जो लोग औरतों को सामने रखकर शरीयत बदलना चाहते हैं वो कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुन ले। तुम्हारे कानों में पता नहीं कि किस कुत्ते का मूत है। औरतें तो औरतें, सारी दुनिया के अंदर 200 से 250 करोड़ मुसलमान है, टोटल 800 करोड़ है। कब की रिपोर्ट, अब तक कितने पैदा होगी की? सारी दुनिया मिलकर इस्लाम के खिलाफ जितनी कोशिश कर रही है अकरम साहब, रब्बे काबा की कसम, एक दिन भी अगर यही दुश्मनी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ होती तो मज़हब कभी का ख़त्म हो जाता। ये मज़हब खुदा का दीन है, इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है। 1450 साल से लेकर आज 14 जुलाई 2020 पर 1:45 तक भी बराबर इस्लाम के साथ दुश्मनी जारी है। अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर इस वक्त हिंदुस्तान के पार, इस वक्त की बात कर रहा हूं, मेरे मुल्क की बात नहीं, इस वक्त के मुल्क की पार्लियामेंट तक बराबर इस्लाम के साथ दुश्मनी, कुरान के साथ दुश्मनी, शरीयत के साथ दुश्मनी है। आज तक एक बाल भी उखाड़ ना सके। दो 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 का को बोल को बमड़िया मार ले को छी, मार रही नहीं मार रही, सारी दुनिया में मार रही। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग अमल भी कर रही लोग, फिर भी इंसानियत पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। खुदा की यही कुदरत है। दूध पैदा करे तो ये, दूध पैदा करे तो वो, सारी दुनिया के अंदर तबीयत नॉर्मल रहती फिर भी डॉक्टर तड़ाता, तीसरी डिलीवरी बड़े जान को नुकसान, मरीज मंगया भी वो, डॉक्टर दिया भी वो, फौरन बोला था कर दे लो डॉक्टर साहब।
एक साल के बाद जान को खतरा रहा तो कौन कहा कि अभी उसकी तदबीर करे। जब खतरा होने का अंदेशा हो तब उसका सोचे। मद्रास में एक्सीडेंट होता बोल को क्या सफर करना छोड़ डालेंगे? ये बात है। अजीब पागलपन है सारी दुनिया। दो जनों और शादी होते ही जनों को 5 साल एंजॉय करो क्या की करो, हनुमान को जाओ क्या की जाओ, किधर की जाओ। परसों भी मुझे 1-8 दिन पहले पूछता, हजरत शादी होते ही बच्चे जन सकते हैं क्या? मैं ही बोला तेरी ताकत का हिसाब मेरे से कहीं को पूछ रहा है। शादी होते ही बच्चे जन सकते हैं क्या हजरत पूछ रहा है। मैं बोला ये कहीं को बस सवाल पैदा हुआ। नहीं हजरत हमारे कजिन बोल रही कहते कजिन। मैं कजिन का तो मैं समझा नहीं जल्दी, खलेरे भाई को बोलते सकते वो कजिन, हमारे कजिन बोल रही 5 साल जनने को रहे। दुनिया में कोशिशें हो रही है, दो जन्ना बोलकर हो रही है, लेकिन कल की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट पॉपुलेशन की उठाकर देखो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ही नजर आ रही है। यह बात मैंने क्यों अर्ज किया कि 800 करोड़ इंसानियत में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वल्लाहु आलम के 200 या 250 करोड़ मुसलमान हैं, सिर्फ 1000-2000 औरतों के एहतजाज करने या ना करने से शरीयत नहीं बदलेगी। हमें क्या कहते मालूम, इस्लाम क्या कहता मालूम, इस्लाम क्या करता मालूम। सारी दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल 250 करोड़ मुसलमान है कि या 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ मुसलमान भी अल्लाह ना करे 200 करोड़ मुसलमान भी मुत्तफिक होकर किसी कानून के, शरीयत के कानून के खिलाफ मैदान में उतर जाए तब भी शरीयत नहीं बदलेगी। तुम्हें तुम्हारी कौम की औरतों को बुरखा पिना को अब उन्हों मैदान में आ गए तो देखो मुस्लिम महिलाएं आ रही है, या खुद हमारी कौम की औरतें बुरका पहनकर मैदान में शरीयत के खिलाफ आ जाए तो कह दे कि मुस्लिम महिलाएं बाहर आ रही है। ये सच हो के झूठ तब भी शरीयत नहीं बदलेगी जनाब। शरीयत क्या समझे, हिमालय की चोटी समझे कि किसी इंसान के बुलडोजर से गिर जाए? शरीयत एक महफूज चीज है जिसकी हिफाजत इंसान नहीं खुदा कर रहा है। सुनो तहकीकी जवाब सुनो। मिक्सा सिविल कोड बनाते हैं इन द मूंजी की तंजावुर की मंजा, अजीब बात है कि जब हम हमारी शरीयत की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क के दिए हुए कवानीन को पेश करते हैं तो कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि ये देखो मुस्लिम मुल्लाओं ने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं ऐसे अहमकों का जो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं मुस्लिम मुल्लाओं ने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। सुन ले कान खोल कर, हमारे धर्म में भड़काना जायज़ नहीं, हमने कभी तारीख में कभी भी भड़काया नहीं और आइंदा हम भड़काएंगे भी नहीं। वैसा अगर हमको भड़काना जायज़ होता तो आज इस मुल्क की सरकार तुम्हारे हाथ में ना होती।
और हमको अच्छा मालूम है कि मीडिया वाले जो कह रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, मजबूरी। कोई कपड़ा बेचता है, कोई लोहा पीसता है, कोई जूता बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई इज्जत बेचता है। तो इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी ज़ुबान भी बेचते हैं और अपनी कलम भी बेचते हैं, और जो अपनी ज़ुबान और कलम का सौदा करते हैं इस मुल्क के अंदर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, खुद हमारे मज़हब मुसलमानों में कोई हो, अगर कोई अपने ज़ुबान और कलम का सौदा करता है तो इस आजिज़ के नज़दीक अड्डों में इज्जत बेचने वाली औरत से भी बदतर है। भड़काऊ बयान छोड़ दो, ये चैनल्सों को छोड़ दो, तुम्हारी हकीकतें अगर खुद तुम्हारी मासूम बच्चों के सामने आ जाए तो फिर इस किस्म का बयान करने वालों लोग खुद अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। हम भड़काऊ बयान कर रहे हैं, ये भड़काऊ बयान है। इस मुल्क के उलमा इकराम जो यकसा सिविल कोर्ट के खिलाफ में बात कर रहे हैं, इसे भड़काऊ बयान कह रहे हैं। कुछ तो अकल है, या नहीं तो अकलमंदों की जूतियां उठाओ, अकल आ जाएंगी। हमें साफ पता चल गया कि तुम्हारा खलम भी बिका है, तुम्हारा जहन भी बिका है, तुम्हारी ज़ुबान भी बिकी है। इस वक्त हालत क्या है, वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में, हमको मालूम है कि सच क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, कहने वाला खुद जानता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी को मैं एक शेर में पेश करता हूँ, सुनो। वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में न तू कह सका न तू लिख सका, वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में, वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में न तू कह सका न लिख सका। क्यों कि जुबां मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। इस वक्त मीडिया जो हमारे मुल्क की एक जबरदस्त ताकत है, मुल्क की ताकत के चार सुतूनों में से एक सुतून है, मुल्क के एक सुतून को कमजोर और खोखला कर रही है मीडिया। मुल्क के 140 करोड़ वासियों को, हिंदुस्तानियों को समझ जाना चाहिए कि अगर मीडिया का यही तर्ज रहा तो सारी दुनिया में हमारे मुल्क का वखार गिर जाएगा। ये एक सीमा आई, सीमा पार करके कुछ भी अकल नहीं, उसे बोलते सो जरा घचीटने की चीजें खाओ, बोल को चमचों से टूटने वाली चीज में क्या मजा है, मजा तो दांत तोड़ते हैं उन चीजों में है। अंडरस्टैंड? यस। इसमें क्या मजा है, तब जाकर मेमोरी चार्ज होगी। ये काई खामोश जाना था, सच कहता हूं, मानो या ना मानो, कौन सी कसम खाऊं, किस पर हाथ रखूं, सबूत के लिए क्या पेश करूं, आज इस देने के लिए तैयार है। मुल्क की धूल से भी मोहब्बत है, तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है अहमकों, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। हम तो पड़ोसी मुल्क को बाएं हाथ के जग का भी दर्जा नहीं दिए। सही बात, सच्ची बात, कसम वहदहू ला शरीक की, ईश्वर की कसम,
वो जात जो अकेला है, अकेला रहेगा, जिसका कोई साथी वो शरीक नहीं, जिसके माँ बाप नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसका वजीर नहीं, जिसका मुशीर नहीं, उस जात की कसम हमने पड़ोसी मुल्क को बाएं हाथ के जग का भी दर्जा नहीं दिए। तुमने हमारे भावनाओं को समझा नहीं, हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारी मोहब्बतों को समझा नहीं। ये नफरत का चश्मा उतारो, चंद दिन हमारे साथ बैठो, इंशाल्लाह समझ भी पैदा हो जाएगी। एक 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 फ्रॉड औरत जिसका नाम इत्तफाक से सीमा था या है, और उन्हें आई भी सीमा पार करके, क्या की मोहब्बत हुआ, क्या की हुई छोड़ डालना। एक सीमा इस्लाम नहीं, एक सीमा शरीयत नहीं। अरे हर मज़हब में ऐसे लोग पैदा भी होते हैं, मर भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, इससे मज़हब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बड़े खुले अंदाज से बात कहता हूँ, कोई मुसलमान हिंदू बन गया तो इस्लाम पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो फिर हिंदुइज़्म पर कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। अफराद के बदलने से मज़हब पर कोई असर पड़ता नहीं, इतना तो समझो आपको। इससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और सेकुलरिज्म के जुमले और क्या हो सकते हैं। एक क्या की आई छोड़ डालना, उठाना नहीं था वो इशू को। अब उसे इतनी मीडिया मीडिया अल्लाहु अकबर कबीरा, सच्ची इसे चढ़ाना भी आता है, इसे उतारना भी आता। मैंने एक मज़मून पढ़ा, उसमें लिखा है कि मीडिया अजीब बात है, अजीब अजीब अजीब। लायर बनने की ज़रूरत नहीं, एक माइक पकड़ ले को चैनल खोल डालो, लायर हम भी डरते हैं। एक ही वाक़िए को कई शक्ल से पेश करने का मलका इन लोगों के पास है। एक जंगल में एक मुसलमान सामने शेर आया, बोल को मार डालिया, सामने शेर आया, शेर भाई चिचा क्या, शेर जंगल का वो भी शेर आया मार डालिया। दूसरे दिन अखबारात में आ गया, मुसलमान की दहशत गर्दी अब जंगल में भी शुरू हो चुकी है, वो एक मासूम शेर का कत्ल कर दिया। बाबा बाबा मासूम शेर कत्ल की कतो, इनके अम्मा का भाई ना उन्हें। दिन के बाद उसी जंगल में एक लड़की गई तो शेर आया, अब लड़की ने भी शेर को मार दिया। वही वाकया हुआ, पहला वाला मुसलमान था, दूसरा वाली नॉन मुस्लिम थी। अब मीडिया ने कहा इस जवान लड़की की हिम्मत पर मुल्क सलाम करता है कि उसने जंगल में शेर को मार दिया। वाह वाह। वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में, न तू कह सका न तू लिख सका। वो जो ख्वाब थे तेरे जहन में, न तू कह सका न तू लिख सका। के जुबां मिली तो कटी हुई, के खलम मिला तो बिका हुआ। के जुबां मिली तो कटी हुई, के खलम मिला तो बिका हुआ। अच्छी अच्छी बातों को, अपने मजहब की हिफाजत की बातों को अगर बयान करते हैं, मीडिया कहती है भड़काऊ बयान भड़काऊ बयान भड़काऊ बयान। अकल को दीवक चाटली भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है, मुसलमानों मैदान में आ जाओ, ये भड़काऊ बयान। उठा लो हाथों में हथियार लांग, ये भड़काऊ बयान। तोड़ दो फोड़ दो, ये भड़काऊ बयान।
रास्ते रोको, रेल रोको, ये भड़काऊ बयान। हवाओं में उड़ो, फ्लाइटों को रोको, ये भड़काऊ बयान। हमने कभी कोई ऐसा बयान दिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हो या अरकान हो या जमीयत के सदर और अरकान हो, ऐसा कोई बयान दिया? अरे इस मुल्क के मुसलमानों के सब्र और मोहब्बत से ज्यादा तुमको सब्र और मोहब्बत अहमकों कहाँ मिलेगा कि इनके धर्म पर इतना बड़ा हमला करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमानों ने सिर्फ एहतिजाज और दिफा के लिए सिर्फ एक QR कोड के जरिए से ला कमीशन तक अपना पैगाम पहुंचाने की मिशन जारी किया है। इसे भड़काऊ बयान। शाबाश शाबाश। खून नहीं है तुम्हारे रगों में, नफरत 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 की लिक्विड है। तुम्हारे जिस्म का रग रग, रेशा रेशा, अंग अंग नफरत के गंदे नाले में डूब गया। मिसाल दे जाऊं तो समझ में आ जाएगा। मेरे अब्बा ने मुझे गाड़ी दिलाई जी, एक्टिवा की, एक्सेस की, मैं नहीं लिया। मेरे अब्बा ने मुझे गाड़ी दिलाई और अब्बा के पास वो पैसे उनके बड़ों से मिला। तवज्जो से सुनना, मेरे अब्बा ने मुझे गाड़ी दिलाई और वो गाड़ी को मैंने सेफ्टी के साथ रखा था। एक चोर आया दिन में, एक चोर, वो भी दिन में, रात में नहीं, दिन में एक चोर आया, डुप्लीकेट चाबी बनाया, गाड़ी को दीदजानी और लोगों के सामने, खुद गाड़ी वाले यानी मेरे सामने गाड़ी खोलकर लेकर जा रहा है। और मैंने कहा कि ओ भाइयों आओ मेरी मदद करो, चोर मेरी गाड़ी चुराता जा रहा है। इसे दहशतगर्दी बोलेंगे, भड़काऊ बयान बोलेंगे? अभी मीडिया क्या बोलती है, मुजम्मिल तेरी गाड़ी अगर चुरा रहा है कोई तो उसे चुराने दे, तो खामोश खड़ जा, कुछ भी ना बोल। बल्कि उसके इस हुनर पर तालियां मार, उसके उस हुनर पर तालियां मार। मैंने क्या किया, गाड़ी मेरी, देने वाला मेरा बाप, मैंने लोगों को जो आवाज दी हिफाजत और मदद के लिए मैंने आवाज दी, इसे भड़काऊ बयान कहते हैं। इस मिसाल को UCC को सामने रखकर बोलो कि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के दस्तूर ने हमको ये हक दिया कि तुम मुल्क में जब तक रहो अपने मजहब पर आसानी के साथ अमल करते हो, कुछ चोर आकर इस हुकूक को चुरा रहे हैं। और हमने सिर्फ हमारे इस मुल्क के मुसलमानों को आवाज दी कि तुम्हारे मुल्क ने तुमको जो हक दिया उसे चोर चुरा रहे हैं, ये आवाज देना भड़काऊ बयान है। जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। और अजीब बात है हजी साहब, अजीब बात है, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा था, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इतना खतरनाक इशू सामने आ रहा है। वो भी मुल्क में रहने वाला पावरफुल एक इंसान अपने ज़ुबान से कहता है, हमारे इश्यूज़ में से एक इश्यूज़ बाकी रह गया है और एक मुल्क में एक ही कानून है, हम बहुत जल्द इस कानून को नाफिस करना चाहते हैं। तो इनकी इस आवाज़ की हकीकत को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के हजरात उलमा व दानिश्वरान जिनकी नज़र गहरी है वो समझ कर बर वक्त आवाज़ लगा दिए, मीटिंगें मुनक़िद किए, मुसलमानों को जगाया और हालात से वाकिफ़ कराया। तो
तो फिर दूसरी तरफ कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ भी करने लगे और उनकी आवाज़ पर, उनके इल्म पर, उनकी निस्बत पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि पंजाब के लुधियाना के एक मौलाना कहते हैं, अजीब बात है कि इतने बड़े आलिम साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इस कानून का ड्राफ्ट तक नहीं बना है, कह रहे हैं इतने बड़े आलिम। मैं उस मौलाना से पूछना चाहता हूं, आपका उस सरकार से क्या ताल्लुक है कि वो ड्राफ्ट बना रही है कि नहीं बना रही है? आपको इल्म कैसे हुआ? रियासतों के अंदर ये कानून नाफिज होने जा रहा है और आप मिंबर पे बैठकर मुसलमानों की बेदारी को सुलाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि अभी इस बिल का ड्राफ्ट तक नहीं बना तो मुसलमानों को कुछ करना नहीं है। ये वो उलमा है जो सियासी तरफ सियासत के मैदान में उतर चुके हैं, कौम अजीब अजीब बात कर रहे हैं। मौलाना से कहना चाहता हूँ, खुदारा चार में चौथे बनो, पानी आने से पहले कट्टा बांध रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जमीयत वाले पानी आने से पहले कट्टा बांध रहे हैं, मिल्ली काउंसिल वाले पानी आने से पहले कट्टा बांध रहे हैं, हर रियासत की अमारत शरिया वाले पानी आने से पहले कट्टा बांध रहे हैं। आज तुम कह रहे हो अभी ड्राफ्ट ही नहीं बना तो इतना मुसलमानों को हलचल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ड्राफ्ट बनकर पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा तब आप क्या तालियां मारते रहेंगे मिंबर में बैठ कर? इतनी बेवकूफाना बात एक आलिम के जुबान से निकले, बहुत अफसोस होता है। मौलाना की मैंने मुख्तसर गुफ्तगू सुनी, बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कट कर दिया, लेकिन उस मुख्तसर सी गुफ्तगू से मैंने एक नतीजा निकाला। दरअसल मौलाना यूसीसी के खिलाफ में या ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों के ओहदे जो मौलाना को पहले से हजम नहीं हो रहे हैं उसकी दुश्मनी निकालने का वक्त आया तो उन्होंने निकाल लिया, यही तो नतीजा है। मैं साफ बात करता हूँ, साफ अदब के साथ करता हूं, पहले शरीयत उसके बाद कौम, उसके बाद ही मेरे लिए तमाम रिश्ते हैं। पहले अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत, उसके बाद कौम है। कौम का जब मसला आता है मैं किसी का लिहाज नहीं करता, उस जगह पर बैठता हूं जिस जगह की निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है। साफ बात करता हूं मैं, अजीब बात है मौलाना लुधियानवी साहब, आप ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, शायद आपको मुल्क के हालात की खबर का 5% भी नहीं है। जो जमात और जो पार्टी इस वक्त मुल्क का दस्तूर ख़त्म करके एक नया दस्तूर बनाने के लिए दस्तूर भी बना दिया और बुक्स भी तैयार हो गए और आपकी नज़र अभी ड्राफ्ट पर पड़ी हुई है, और एक मौलाना के बारे में बड़े अदब के साथ कहता हूँ मैं, बयान करने से पहले सोचना चाहिए। इसीलिए मैं किसी भी हाल का बयान बहुत देर से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसलिए कि दूसरे दीगर अकाबिर उलमाए किराम का मौक़िफ़ क्या है, फिर शरीयत क्या है, हालात क्या है, तमाम को सामने रख कर ये आजिस बहुत इल्म में अमल में छोटा है बाद में अपनी आवाज़ को कौम तक पेश करता है। एक मौलाना कहते हैं मुसलमानों को इसमें ज़्यादा घबरा, मेरे इशारे समझते होंगे, मैं अदब के ख़िलाफ़ समझता हूँ इस वक्त ऐसे अकाबिर का नाम लेना, लेकिन इशारा मेरा आप हज़रात समझेंगे। एक मौलाना कहते हैं कि मुसलमानों का एक बयान आया 8 दिन पहले, उन्होंने भी यूसीसी के बारे में बहुत साफ साफ वजाहतें बयान की। 8 दिन नहीं गुजरे तो फिर अपने बयान के अंदर नरमी अचानक आ गई कैसे? और उनका बयान भी मैंने सुना, उनसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत भी है मेरी, और वो कहने लगे कि मुसलमानों को इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इस कानून से आदिवासी कबाइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। मौलाना भी शायद बड़ी हकीकत तक नहीं पहुँचे, अभी उनका बयान सुबह को नहीं आया, शाम को इस मुल्क के वज़ीर दाखला ने नेपाल के या कौन सा वो एक यहाँ की वहाँ का वज़ीर आज़म आया था, नागालैंड का जब वफद आया था उसके सामने वजीर दाखिला बयान करते हैं कि हम यूसीसी लाने वाले हैं लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इस कानून से हम ईसाइयों को और मुल्क के दूसरी कौम के लोगों को अलग करके कानून बनाएंगे। यही तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, यही तो जमीयत उलमा यम कह रही है, यही तो जमीयत उलमा ये कह रही है, यही तो मिल्ली काउंसिल कह रही है। ये कानून जो यूसीसी का लाया जा रहा है ये पूरे मुल्क को एक बनाने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा है, मुसलमानों की शरीयत को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कौन सी बिल कौन सा कानून पास हो जाए, हमारा ईमान है, यकीन है, हकीकत है, तारीख है, शरीयत ना इससे पहले बदली है ना आज बदलेगी ना कल बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। ना शरीयत बदली ना आज बदलेगी ना आज के बाद बदलेगी, क्योंकि शरीयत शरीयत है, दुनिया की कोई ताकत आज तक शरीयत को बदल नहीं सकी है, दुनिया की कोई ताकत आज तक कोई शरीयत को नहीं बदल सकी है। बदलेगा ना बदला है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बदलेगा ना बदला है, कानून शरीयत का हर दौर में पुख्ता है, हर दौर में पुख्ता है, कानून शरीयत का बदला है ना बदलेगा, दुनिया का कोई मज़हब क्या देगा बदल इसका, दुनिया का कोई मज़हब क्या देगा बदल इसका, हर दिन से सुथरा है, हर दिन से सुथरा है, कानून शरीयत का बदलेगा ना बदला है, कानून शरीयत का। ये शेर सुनिए, वो तीन तलाक़े हो या और मसाइल हो, वो तीन तलाक़े हो या और मसाइल हो, फितरत का तखाज़ा है, फितरत का तखाज़ा है, कानून शरीयत का बदलेगा ना बदला है। ये शेर अंकल तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो इज्जत निसवां का, जो इज्जत निसवां का, निसवां बोले तो औरत, औरतों की इज्जत का, जो इज्जत निसवां का भरपूर मुहाफिज है, जो इज्जत निसवां का
भरपूर मुहाफिज है, इमदाद का साया है, कानून शरीयत का। ये शेर भी सुन ले, कुरान और सुनन दोनों मुस्लिम के लिए बुनियाद, कुरान और सुनन दोनों मुस्लिम के लिए बुनियाद, हर कोट से आला है, हर कोर्ट से आला है, कानून शरीयत का, हर कोर्ट से आला है, कानून शरीयत का, बदले गाना बदला है, बाजा जाए सभी मुफसिद, बाजा जाए सभी मुफसिद, बाजा जाए हुकूमत भी, बाजा जाए सभी मोदी, बाजा जाए सभी मोदी, बाजा जाए सभी मुफसिद, बाजा जाए हुकूमत भी, ठहरेगा न ठहरा है कानून शरीयत का, चलता रहा चलता रहेगा, इसे रोकने के लिए कोई ताकत ना आएगी ना आकर ठहरेगी, ठहरेगा ना ठहरा है कानून शरीयत का। आखिरी शेर है, हर हाल में हम इसकी, हर हाल में हम इसकी अजमत को बचाएंगे, हर हाल में हम इसकी अजमत को बचाएंगे, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है कानून शरीयत का, दिल जान से प्यारा है, इस मुल्क के लिए जान पूछो हम जान भी दे देंगे, लेकिन हम अपने मजहब का सौदा किसी सूरत से नहीं करेंगे। मैं साफ साफ इस मुल्क की सरकार तक और हुकूमत तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, बिल्लियों की तरह ख्वाब में चिचड़े देखना छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुरान जिंदा था, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा, शरीयत जिंदा थी, शरीयत जिंदा है, शरीयत जिंदा रहेगी, ये सब तुम्हारी तसल्ली के लिए बात है। यकसा सिविल कोड अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर हमारा मसला छोड़ो, हिम्मत है तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं सलाम भी करना चाहता हूं, इस मुल्क के कई मजहब के लोग रहते हैं, उसमें से मुझे सिख भाइयों के इस अपने मजहब पर अमल करने वाला कानून और उनके जज्बात से बड़ी मोहब्बत है। मुसलमानों 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 सबक हासिल करो, मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ या मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हिम्मत है, सिर्फ मेरे सिख भाइयों की दाढ़ी पर कोई कानून बना कर देखो,
मेरे सिख भाइयों के दुपट्टे पर कोई कानून बना कर देखो, मेरे सिख भाई जो हथियार अपने साथ हमेशा रखते हैं उस पर कोई कानून बना कर देखो। अरे क्रिकेट के मैदान में उतरे, अपने मजहब के साथ उतरे, असम्बलियों को गए अपने मजहब के साथ गए, पार्लियामेंट को गए अपने मजहब के साथ गए, यकसां सिविल कोर्ट में ज़रा सिख बिरादरी के मजहब को दाखिल करके देखो, फिर तुम्हारा हशर क्या होगा। हम तो कहते नहीं, शायद तुम और सिख भाई अच्छे तरीके से जान सकते हो। तो फिर मुसलमानों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं आखिर में आने वाले और पीछे बैठने वाले और ऊपर बैठने वाले, तुम्हारी और हमारी कम इल्मी बद इमली की वजह से दुश्मन गीदड़ शेर नहीं हुआ, गीदड़ गीदड़ ही है, गीदड़ शेर नहीं हुआ, शेर शेर है। जब शेर जंगल में बीमार पड़ जाता है, या शेर मर जाता है, या शेर कमज़ोर पड़ जाता है, कुत्ते तो दूर की बात कि गीदड़ भी शेरों की तरह खामखा भोगने और चिंघाड़ने लगते हैं। मुसलमानों, अमल का दामन छोड़कर गीदड़ों को उछलने का मौका न दो। बस अल्लाह कहते हैं, ये भी आप गलत सोचे हैं। अल्लाह ने सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा किया, इस्लाम की हिफाजत का वादा किया, शरीयत की हिफाजत का वादा किया, मेरी और आपकी हिफाजत का कुरान ने अल्लाह ने वादा नहीं किया। हाँ, हमारी हिफाजत कब होगी? जब हम दीन पर चलेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। दीन पर चलना अगर हम छोड़ देंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमको दुश्मनों के हवाले कर देंगे। मुसलमानों, तुम्हारे पास आज नमाज नहीं है, ये अजाब है जो तुम्हारे और हमारे पास आ रहा है। तुम्हारे चेहरों में दाढ़ियाँ नहीं, तुम्हारे पास अखलाक नहीं, तुम्हारे पास अदब नहीं, तुम्हारे पास सुन्नत नहीं, तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई अमल नहीं है। तुम भटकते जा रहे हो, इस्लाम का रास्ता तुमको शायद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नौजवान हो के बच्चा हो, मर्द हो के औरत हो, कुरान पर अमल करना छोड़ दिए, सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिए, शरीयत पर अमल करना छोड़ दिए, ना तुम्हारे सरों पे टोपियां हैं, ना तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ना तुम्हारी प्यांट और इजार टकने से ऊपर है। कभी तुम्हारे घर की औरतों की शर्म और हया पर नजर करो, गाड़ियों पे बेहया बुरका उतार कर लेकर फिरने वाले तुम हो, शादियों में नंगा नाच करने वाले तुम हो, रात के 12 बजे बर्थडे मनाने वाले तुम हो, माँ को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, जानवरों की तरह रास्तों और होटलों में रात गुजारने वाले तुम हो। अल्लाह तुमसे नाराज है, अल्लाह हमसे नाराज है, नबी हमसे नाराज है, इसलिए अल्लाह का अजाब आ रहा है। अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह के कुरान को कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह की शरीयत को कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत करना जानते हैं, वो अपने दीन की हिफाजत कयामत की सुबह तक इंशाल्लाह जरूर करेंगे, वो अपने कुरान की हिफाजत जरूर करेंगे। मसला तुम्हारा और हमारा है, अगर हम दीन पर चलेंगे, अल्लाह हमारी ऐसी हिफाजत करेगा जैसे इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। हम कुरान पर चलेंगे, अल्लाह ऐसी हिफाजत करेगा जैसे कुरान की हिफाजत कर रहा है। हम शरीयत पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत ऐसी करेगा जैसे शरीयत की हिफाजत कर रहा है। अगर हम कुरान को छोड़ दिए, शरीयत को छोड़ दिए, इस्लाम के तकाजों को पूरा नहीं किए, तो फिर मेरे दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं है और मेरे पास वक्त नहीं है। अगर हम लोग शरीयत पर अमल करना छोड़ दिए, मर्द हो के औरत, तो फिर हमारी हालत 22 पिलरों के बीच में रहने वाले एक बेजान फुटबॉल की तरह हो जाएगी। इधर से भी लात मारा जाएगा, उधर से भी लात मारा जाएगा, उधर से भी लात मारा जाएगा, और हम फुटबॉल के बाल बनकर यही हालत होगी। मैं बारहा ये बात कहता हूँ, मेरे प्यारों, जागने का आखिरी वक्त है, जागने का आखिरी वक्त है। मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, शरीयत पर पूरा पूरा अमल करो और जाग जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, हमारे अकाबिर को तुम्हारी फिक्र नहीं है। जो 30 35 40 साल पार कर चुका है, वो पार हो चुका है, अब ईमान वाली मौत के मरने का इंतजार करना है। मुझे और हमारे अकाबिर को
आपकी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो इन मासूमों की फिक्र है जिनको हमने अजान के साथ इकामत के साथ नाम रखा है। आज अगर हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, आज हम कुछ कोशिश नहीं करेंगे, आज हम कोई अमल नहीं करेंगे, ये बच्चे दो काम करेंगे, ऐसा काम भी करेंगे, ऐसा काम भी करेंगे, ये बच्चे ऐसा काम भी करेंगे और ऐसा काम करेंगे। उसके बाद इनकी जो नस्ल पैदा होगी वो ऐसा काम भी नहीं करेगी, सिर्फ ऐसा काम करेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ दिखाना भी नहीं चाहता, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। तुम्हारी हालतें और तुम्हारे जज्बात और उम्मत के इख्तलाफात से बहुत मायूस हो चुके हैं, इसलिए बकिया बहुत बड़ा उनवान है इंशाअल्लाह ताला। सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक हफ्ते से बल्कि 10 दिन से ज़्यादा ऐलानात हो रहे हैं QR कोड के ज़रिए से अपना एहतिजाज दर्ज कराएं, क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर नतीजा नहीं। आग में कूदना हमारा काम है, आग को गुलजार बनाना खुदा का काम है। आग में कूदना हमारा काम है, आग को गुलजार बनाना अल्लाह का काम है। एहतिजाज दर्ज करो कि ना करो, क्या होगा क्या नहीं, आपका काम है कि इस QR कोड पर अपना एहतिजाज दर्ज कराए। बड़ा आसान काम है इस्लाम की हिफाजत के लिए। मुसलमानों, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड नहीं है? इस्लाम की हिफाजत के लिए जान नहीं मांगा जा रहा है, दौलत नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ 30 सेकंड, वो भी जहां बैठे वहां बैठकर आपसे गुजारिश की जा रही है कि इस QR कोड के जरिए से अपना एहतिजाज दर्ज कराए और ला कमीशन तक भेजे। अफसोस से मुसलमानों, नौजवानों, मुझे माफ कर दो या मेरा जनाजा मस्जिद से बाहर निकाल दो, तुम नाम के इस्लाम के दोस्त हो, दुश्मन से बड़े दुश्मन तुम हो। तुम ही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए 3-3 घंटे लगते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हुए तुम ही इस QR कोड के जरिए से मैसेज पहुंचाने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अफसोस है, तुम ही दीन का सुतून नहीं कहा जाएगा। नमाज के बाद बैठो, निकलने से पहले QR कोड के ज़रिए से अपना एहतिजाज दर्ज कराओ इंशाअल्लाह ताला। पूरे मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों में अब तक 50 लाख मुसलमानों ने भी एहतिजाज दर्ज नहीं कराया है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और कोई फिक्र की बात नहीं, अभी तारीख 14 ख़त्म होने के लिए 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 9.5 घंटे हमारे पास मौजूद हैं, और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर या 1 घंटे के अंदर मुल्क के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद 1 घंटा मेहनत करेंगे तो ला कमीशन भी सोचेगी कि आखिर ये है कौम कौन सी, जगाते हैं तो उठती नहीं, जब जाग जाती है तो हमको समझ में आती नहीं, जगाती है तो उठने में देर लगता है, जब जाग जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है। QR कोड में अपना एहतिजाज दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الليل وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فانصرنا على القوم الظالمين ربنا فانصرنا على القوم الماكرين ربنا فانصرنا على القوم المفسدين يا الله يا رحمن يا رحيم يا إله العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين یا غیاث المستغیثین اے کائنات کے خالق و مالک ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے ہمارا خالق ہے ہمارا معبود ہے تیرے ہی نعمتوں اور احسانات کے تائے سلے ہم چل رہے ہیں اے الہ العالمین تو ہی ہم کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے جو کچھ ہے ہمارے پاس اے اللہ وہ تیرے ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں پھر بھی ہم کھا کر تیرا پی کر تیرا تیری نافرمانی کرتے ہیں تیرے اور تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں عاصی ہیں نافرمان ہیں اے اللہ ہم کو ہمارے ایک ایک گناہ کا اعتراف ہے جو اجالوں میں کیے ہیں اندھیروں میں کیے ہیں محفلوں میں کیے ہیں تنہائیوں میں کیے ہیں اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو تواب ہے تو غفار ہے تو غفور ہے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جانے انجانے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ اس وقت تیرے حبیب کی امت سارے عالم میں عموماً اور ہمارے اپنے اس ملک میں خصوصاً بہت پریشان ہیں اے اللہ ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں تیرے سوا اے اللہ تو ایک ہی ہے ہمارا تو ہی ہمارا معین ہے تو ہی ہمارا ناصر ہے تو ہی ہمارا نصیر ہے تو ہی ہمارا مدد کرنے والا ہے اے اللہ ہم بہت تنہا ہیں بہت خالی ہیں اللہ ساری دنیا کو ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہے اللہ اس وقت اگر تو مدد نہیں کرے گا ہم بے یار و مددگار ہو کر بے موت مر جائیں گے اے الہ العالمین تیرے حبیب کے اوپر تیری نظر ہو اور ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ ہو اے اللہ عافیت کا معاملہ ہو اے اللہ اس وقت تو ہماری جان بھی خطرے میں ہے ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے جان بچانا بھی مشکل ہے ایمان بچانا بھی مشکل ہے مولا کریم رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اللہ بندہ طبیعت اور فطرت ہے جب پریشان ہوتا ہے وہ دنیا سب کو چھوڑ کر تجھی کو تو پکارتا ہے اس وقت ہم تجھی کو پکار رہے ہیں تو ہی مدد کرنے والا ہے اے اللہ ہر وقت ہر مصیبت میں تو ہی مدد کیا ہے تیرے نبیوں کو بھی مدد کرنے والا تو صحابہ کو مدد کرنے والا تو اولیاء کو مدد کرنے والا تو ہے اے الہ العالمین کیسے کیسے موقعوں پر تو نے تیرے نیک بندوں کی مدد کر کے مشکلوں کو آسان کر دیا مسئلے کا حل کر دیا بیڑا پار کر دیا اے اللہ ہماری بھی مدد فرما مانا کہ ہم گنہگار ہیں تیری مدد کے لائق نہیں ہیں پھر بھی تیرے علاوہ ہماری کون مدد کرنے والا ہے اے اللہ ایک طرف تیرے دشمن ہیں ایک طرف تیرا انکار کرنے والے ہیں اور ایک طرف تجھے ماننے والے ہیں گرچہ کے گنہگار ہیں اے اللہ بچے کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں
माँ बाप को प्यारे तो बच्चे ही लगते हैं। ऐ अल्लाह हम कितने ही गंदे हुए ना हो, ऐ अल्लाह तेरे लिए तो हम ही तो प्यारे हैं। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा, भारत के हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फजल से मदद फरमा। ऐ अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हम बड़े ख़ताकार हैं, बड़ा बड़ा इम्तिहान देने की ताकत नहीं रख सकते मेरे अल्लाह। कहाँ एकवीं का बच्चा दसवीं का इम्तिहान दे सकता है। ऐ अल्लाह ये तमाम हालात अगर हमारे आमाल की सज़ा है, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे अगर हमारे लिए इम्तिहान है। ऐ अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान हम दे नहीं सकते मौला, इतना बड़ा इम्तिहान दे नहीं सकते मेरे अल्लाह। हम ये भी जानते हैं तेरी शरीयत बदलेगी नहीं, तेरा कानून बदलेगा नहीं, तेरा कुरान बदलेगा नहीं, लेकिन मौलाए करीम ऐसे कानूनों के सामने आ जाने से हमारे ईमान को ख़तरा है मेरे अल्लाह, हमारे दीन को ख़तरा है मेरे अल्लाह। एक बहुत बड़ी उम्मत का तबका बहक जाएगा मेरे अल्लाह। कानूनों से बड़ा कानून तेरा है, हाकिमों से बड़ा हाकिम तेरा है, बादशाहों से बड़ा बादशाह तू है। तेरी बादशाह चलती है, तेरा राज चलता है, तेरी हुकूमत चलती है। ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी मेरे अल्लाह। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान हर दिन एक इम्तिहान दे रहा है, हर शाम एक इम्तिहान दे रहा है। ऐ अल्लाह ये दुश्मनों को या तो हिदायत अता फरमा या नहीं तो तुझे क्या करना है तू जानता है मौला। ये हमारे मुकाबले में नहीं आए हैं, तेरे मुकाबले में आए हैं, तेरे कुरान के मुकाबले में आए हैं, तेरे नबी की शरीयत के मुकाबले में आए हैं। ऐ अल्लाह ऐसे तो फिरौन भी आया था, कहाँ पहुँचाना तूने वहाँ पहुँचा दिया। नमरूद भी आया था, कहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा दिया। अबू जहल और अबू लहब भी आया था, कहाँ पहुँचाना तूने पहुँचा दिया। हमको कुछ करना आता भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो सब तेरे पास है। ऐ अल्लाह जो करना आता है वो तुझी को करना आता है। हम पुकारते भी हैं तो मुजरिम हो जाते हैं, हम दिफा भी करते हैं तो मुजरिम हो जाते हैं। ऐ अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन तेरा एक झटका इनको समझ जाएंगे लोग मौलाए करीम, या नहीं तो जहन्नम के घाट उतर जाएंगे मौला। अगर हमारी जान भी कुर्बान हो जाए, हम कान जान तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ अल्लाह शरीयत की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ये दुश्मन एक से एक कानून बनाते जा रहे हैं। ऐ अल्लाह मस्जिद भी हमारे हाथ से चले गई, तलाक़ का बिल भी मंजूर हो गया। ऐ अल्लाह हिजाब व निकाब पर भी हमले हो रहे हैं। ऐ अल्लाह कब तक हम ऐसे रहें मेरे अल्लाह, कब तक हम ऐसे रहें मेरे अल्लाह। तू ही रहम करने वाला है, तू ही करम करने वाला है, तू ही मदद करने वाला है। ऐ अल्लाह ये जो बिल बना रहे हैं, ऐ अल्लाह आप खुद इनकी बिल बेकार हो जाए ऐसे फैसले करने की ताकत तेरे पास है। ऐ अल्लाह ऐसी कुदरत तेरे पास है। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान के फैसले फरमा, प्यार व मोहब्बत के फैसले फरमा, मुसलमानों के ईमान को मजबूत फरमा, आमाल में मजबूती अता फरमा। ऐ अल्लाह एक एक इबादत को पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ, पुख्तगी के साथ करने की तौफीक अता फरमा, एक एक अमल से आरास्ता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अकाबिर उलमाए किराम, चाहे किसी भी जमात के क्यों ना हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हो, जमीयत उलमाए हिंद के हो, मिल्ली काउंसिल के हो, रियासतों के अमारत शरिया के हो, हमारे इन अकाबिर की मेहनतों को ज़ाय मत फरमा मेरे अल्लाह। हमारे इन अकाबिर की मेहनतों को ज़ाय मत फरमा मेरे अल्लाह। इनको और पूरी उम्मत को, अल्लाह मुल्क के तमाम मुसलमानों को कामयाब फरमा।
ऐ अल्लाह जो भी बीमार है उनको सेहत अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, जिसके भी जो तकाजे हैं ऐ अल्लाह तो अपने फजल करम से पूरा फरमा, हमारी दुआओं को तो अपने फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।